हेलो एंड वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप सूद से पाक इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, स्कूटी खरीदना चाहते हैं, या रिक्शा, लोडर रिक्शा, या फूड कार्ट, या फिर अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इंडिविजुअल हों आप या आप कोई स्मॉल बिजनेस मैन हों, तो आपके लिए अल मवाखात माइक्रो फाइनेंस की सहूलत मौजूद है। अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है तो आप अल मवाखात के ज़रिए ये तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं, वो भी बग़ैर सूद के। तो मज़ीद डिटेल्स जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो व्यूवर्स, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें लोगों को सूद से पाक कर्जे मिल रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही हो, या कोई कैरियर एडवाइस हो, या कोई बिजनेस स्टार्टअप के हवाले से टिप हो, तो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो व्यूअर्स, अल मवाखात माइक्रो फाइनेंस का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आपने सिंपली अप्लाई करना है, आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, या आप मैनुअली इनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप ये फॉर्म जमा करवा सकते हैं विद नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्क्रूटनी के लिए आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और अप्रूवल के बाद आप जो भी प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं वो आपको 7 से 10 दिन में डिलीवर कर दी जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अल मवाखात जो है वो एक इस्लामिक और इंटरेस्ट फ्री तरीक़ेकार के मुताबिक काम करता है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अल मवाखात माइक्रो फाइनेंस कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ये कोई एनजीओ है, और ये कर्ज़े हंसना नहीं देती, ये सिर्फ आपको फिज़िकल प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। अगर हम प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो ये अपने चार्जेस लेते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, 1500 रुपये, चाहे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो या डिक्लाइंड हो जाए, 1500 रुपये आपसे लेंगे। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आप वक्त पर इंस्टॉलमेंट्स ना दे पाए, या कुछ इंस्टॉलमेंट्स आपने दे दी हैं और फिर फर्दर आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे, तो अल मवाखात माइक्रो फाइनेंस आपका जो एसेट है जो आपने लिया था वो आपसे वापस ले लेगा, और उसको मार्केट में सेल कर दिया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट को रिकवर किया जाएगा, और अगर सेल प्राइस कम हुई तो जो भी नुकसान है वो कस्टमर को भरना होगा। इसके अलावा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे उसके भी कुछ चार्जेस हैं, जैसे कि 4 स्टैम्प पेपर्स बनेंगे 100-100 रुपये वाले, उनके ऊपर टिकट्स लगेंगी 200 रुपये की। तो ये कुछ बुनियादी बातें थीं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ये कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। तो इनमें अल मवाखात बाइक सहूलत है, अल मवाखात सोनी स्कूटी है जो कि लेडीज़ के लिए है नॉर्मली, इसके अलावा अल मवाखात मेरा लैपटॉप स्कीम है जिसमें न्यू और रिफर्बिश्ड लैपटॉप मिल रहे हैं, इसके अलावा अल मवाखात अपना रिक्शा और अल मवाखात आसान लोडर। तो ये जो इकसात हैं या इंस्टॉलमेंट्स हैं ये आपको 12 से 36 महीने के टाइम ड्यूरेशन में पे करनी है। मिनिमम आपने डाउन पेमेंट देनी है 10 से 20% तक, और तमाम ऐसे लोग जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, वो अल मवाखात माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस है, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आपका एम्प्लॉई कार्ड होना चाहिए, अगर आपका अपना कोई बिजनेस है तो उसका प्रूफ आपने शो करना है, और 2 गारंटर्स चाहिए जिनके आईडी कार्ड की कॉपीज आपने शो करनी है। तो अगर आप माइक्रो लेवल के ऊपर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या आप फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं तो आप अल मवाखात माइक्रो फाइनेंस से रब्ता कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट के थ्रू भी रब्ता किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट ऑप्शन मौजूद है। इंक्वायरी के लिए भी इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आप अपने मजीद जो सवालात हैं उनके जवाब हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, मोबाइल नंबर है ये 3253955558, और इनका जो ऑफिस है मेन ऑफिस वो है उस्मान ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन लाहौर में, बिल्डिंग का नाम है अवामी कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर के ऊपर इनका ऑफिस है। इसके अलावा आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं info@almawakhat.com पर। तो दोस्तों, ये था अल मवाखात माइक्रो फाइनेंस का एक सिंपल और शॉर्ट रिव्यू। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।